बगरू के विधायक कैलाश वर्मा ने हाल ही में मुहाना मंडी में हो रहे धार्मिक आधार पर अतिक्रमण के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस समस्या को उठाने वाले सभी मीडियाकर्मी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मीडिया ने इस मुद्दे को सरकार के सामने लाकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैलाश वर्मा ने कहा, हमने इस ओर ध्यान दिया है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की गतिविधियां वहां से बंद हो। उनका कहना था कि इस तरह के अतिक्रमण से समाज में अस्थिरता और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही विधायक कैलाश वर्मा ने सदन में कांग्रेस नेता शांति धारीवाल द्वारा उपयोग किए गए अपशब्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की आदत हो गई है कि वे सदन में और सड़क पर अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, जो सर्वदा अनुचित है। वर्मा ने कहा, सत्ता पक्ष ने विधानसभा स्पीकर को इस बारे में अवगत करवा दिया है और निश्चित ही इस बारे में भी उचित कार्रवाई की जाएगी। उनका मानना है कि इस तरह के व्यवहार से सदन की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचती है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विधायक कैलाश वर्मा ने धार्मिक अतिक्रमण और अमर्यादित भाषा के उपयोग से जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने स्पष्ट और दृढ़ प्रतिक्रिया दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे समाज और सदन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। एक तो मैं सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुहाना मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। करोड़ों लोगों को कारोबार मिलता है, करोड़ों लोगों के चूल्हे इस मंडी से जलते हैं। हमने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया। आपके टीवी चैनल को इस बात का भी धन्यवाद कि इसके पूरा वीडियो बना के इसका ऑपरेशन किया, ताकि आने वाले समय के अंदर लोग ये नहीं कह सके कि साहब वहाँ तो कुछ ही नहीं था, उस समय हमने वीडियो चलाया, कल को कह दे कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। वो उस सारी चीज़ें उसके अंदर है। हो सकता है माननीय मंत्री जी को इस बात का संज्ञान में लाने के लिए हम तैयार हैं। मैंने ये भी कहा कि जिस तरीके की रिपोर्ट माननीय अधिकारियों ने दी है, वो कहीं ना कहीं उसमें लोचा है, वो पूरी तरीके से नहीं दे पाए। और आपका जो वीडियो था, कुछ हमारे प्रमुख लोगों ने जो चीज़ उसमें मेंशन करके, मैंने राजस्थान विधानसभा की पटल के ऊपर वो पेन ड्राइव भी रखी है, उस पेन ड्राइव के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष ये कहता है कि साहब ऐसी किसी प्रकार की वहाँ पे मस्जिद नहीं है, तो उसके अंदर तो सारा सब कुछ जो खेला हो रहा है वो उसके अंदर है। इस बात की चिंता हम सब लोगों को करनी चाहिए कि जहाँ से रोजगार जाता है वहाँ पे एक इस तरीके की गतिविधि होती है जो आने वाले समय के अंदर सब लोगों के लिए घातक बन सकती है। तो हम अच्छे तरीके से इसकी पूर्णतया तरीके से, अगर कोई कमी खामी भी है तो मैं मंत्री जी को और दस्तावेज प्रेस कराऊंगा, मगर इसकी जांच कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और जो किसान सुबह से लेकर शाम तक टकटकी लगाए बैठा है कि इस मंडी के अंदर मेरे को रोज़गार, मेरी सब्जी अच्छे तरीके से बिक सके, मेरे को रोज़गार मिल सके और एक अच्छा मैसेज मुहाना मंडी से जाए, अतिक्रमण हटे, यहाँ के लोकल लोगों को पलदारी के रूप में रोज़गार मिले, तो उसके लिए हम पूरी तरीके से काम करेंगे। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद मैं इसलिए भी दे रहा हूँ, अगर ऐसे सजग न्यूज़ चैनल आके अगर इस बात को नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं हम भी अंधेरे में रहते। हम सब मिलके आने वाले समय के अंदर मंडी अतिक्रमण मुक्त कैसे हो और ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ से स्वादपूर्ण वातावरण बिगड़ता है उनको ध्वस्त करेंगे, और जिस काम के लिए मंडी बनी है उस काम के लिए इसको पूर्णतया तैयार करके लोगों को सौंपेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा मानसिकता रही, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में यहाँ मंडी के अंदर डोम बन के तैयार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में यहाँ सड़कें बनी, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ही महात्मा ज्योतिबा फूले, राजमाता सिंधिया की मूर्ति लगी, अच्छा पत्थर लगा करौली का, उसको तैयार किया। कांग्रेस तो उसको मेंटेन भी नहीं कर पाई। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो काम हुआ है, जितना गड़बड़ी यहाँ पे हुआ है, बाहर से लोग आते हैं, अपराधी आते हैं और पलदारी के नाम के ऊपर यहाँ पे छुप के अपने गुनाह छुपाते हैं। हमने सारी बात का ऑपरेशन किया। आने वाले समय के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी इसकी बन रही है, जो मेवाती हैं, जो परेशान करते हैं, जो शरण यहाँ पे ले रखे हैं, हम उनको यहाँ से भगाएंगे और सच अच्छी तरीके से किसानों के हित के अंदर मंडी काम कैसे करे उसके लिए काम करेंगे। कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है, हालाँकि इनके जो आला कमान के नेता राहुल गांधी ने भी कभी धर्म के ऊपर बोलते हैं, कभी लोगों के ऊपर बोलते हैं, कभी हमारे संत महात्माओं के ऊपर बोलते हैं। और ये जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। संत हमारी परंपरा है, संत हमारी आस्था है, संत हमारी धर्म की आस्था को जिंदा रखने वाला बहुत बड़ा एक उनके लिए बोले संतों ने इस देश का भट्ठा बिठा दिया, शर्म आनी चाहिए इनको।
और जिस तरीके से असंसदीय भाषाओं का कल प्रयोग हुआ, हमने माननीय अध्यक्ष जी से ये रिक्वेस्ट किया कि आने वाले समय के अंदर इन परंपराओं के ऊपर विराम लगना चाहिए, क्योंकि अगर विराम नहीं लगा तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी, और उसको अध्यक्ष जी के आसन के संज्ञान में लाए, आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होगी।